हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, कैसी है आप सब। आप सबके लिए लेके आई हूँ आज मैं ईयर रिंग्स का बहुत बड़ा खजाना, जो कि आप डेली वियर के साथ साथ छोटे मोटे फंक्शन शादी में आराम से कैरी कर सकते हो। और कोई टेंशन नहीं है कि गोल्ड की पहनो, गोल्ड के तो डर रहता है। तो आप इस वाले ईयर रिंग्स को पहन के भी अच्छे से अपने फैशन स्टाइल को अपना सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टाइप का फैशन है, इट्स मीन कि आप नेक में कुछ मत पहनो, बस ईयर रिंग्स डालो बड़े बड़े शानदार से, तो इससे आपका फैशन का लुक पूरा हो जाता है, कम्प्लीट लुक देता है। देखिए कितने प्यारे लगते हैं पहनने पर, और बहुत ही प्यारे क्यूट सा एक आपका एक स्टाइल आता है पहनने पर। तो ये वाले झुमकास भी ज़रूर से होने चाहिए आपके पास, ये ज़्यादा महंगे नहीं आते मार्केट में, 100 से लेके 150 तक में आराम से हर कलर में अवेलेबल है। तो ये है मेरे पहला डिज़ाइन। अगला जो है वो है ये राजपूती स्टाइल का, ये छोटे छोटे प्यारे से बहुत ही प्यारे लगते हैं, डायमंड के से कलरफुल गोल्ड के साथ टेक्सचर आता है, इनको झाले बोलते हैं। ये राजपूती ड्रेस में, हमारे राजस्थान में इस टाइप के झुमकीस बहुत ही ज़्यादा फैशन में, इन्हें झाले बोलते हैं। और ये भी बहुत ही क्यूट से लगते हैं पहनने पर, ये वैसे राजपूती जो बेस आते हैं उनके साथ पहनने पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इसको सूट में आराम से आप कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट जो डिज़ाइन है ईयरिंग्स का वो है ये चांद वाली, मैंने इसे मल्टी कलर में लिया है ताकि सारी ड्रेस पे चले जाए आराम से, बहुत ही प्यारे लगते हैं पहनने पर, ये क्यूट से लगते हैं और अपने आप में एक एलिगेंट लुक आता है इनको पहनने के बाद, लहंगे के साथ साथ साड़ी में आराम से अच्छे से मैच कर जाते हैं। और इसके साथ एक ये टीका भी आया है, मांग टीका, तो बहुत ही प्यारा। और ये भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं आया, 150 या 160 के आराम से सेट अवेलेबल हो गया था, सारे कलर्स में मिलते हैं, ये सिंगल में ही मिलते हैं और मल्टी कलर में मिलते हैं, जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हो। अगला जो डिज़ाइन है वो भी आज छोटी चांद वालिया, ये बहुत ही क्यूट सी लगती है, स्मार्ट सी प्यारी सी, तो आई थिंक ऐसे भी एक डिज़ाइन आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। ये सूट के साथ बहुत ही प्यारी लगती है, गले में कुछ मत पहनो, केवल यही पहन लो, यही फैशन चल रहा है आजकल ईयरिंग्स का, सुंदर सुंदर ईयरिंग्स का, नेक में कुछ। नेक्स्ट जो ईयरिंग्स का डिज़ाइन है वो थोड़ा फंकी टाइप का है, तो ये स्मार्ट लगता है कहीं बाहर घूमने जाओ, पिकनिक वगैरह पे जाओ, तो ऐसे एक ब्लैक कलर की साड़ी के साथ या फिर कोई भी कलरफुल साड़ी के साथ इस टाइप का मैचिंग अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं पहनने पर। बस यही दिखते टसल्स, इसमें मल्टी कलर के टसल्स और सिंगल रेड ग्रीन सारे मिल रहे थे, पर मैंने ब्लैक चुना क्योंकि ब्लैक के साथ ये जो सिल्वर कलर है बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने ये चुना। और इसके साथ आप ओपन हेयर करके जाओ, बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। तो ये ज़्यादा महंगे नहीं आई, जयपुर से लिए थे मैंने, ये 40 रुपीज़ में मिले थे। अगला जो इयररिंग का डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का है, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पर, भाई गले की सेट के साथ आया था, बट मैं सेट कम यूज़ करती हूँ, केवल इसी को ही यूज़ करती हूँ। आई थिंक ये भी बहुत प्यारा फेमस है, आलिया भट्ट के से इंस्पायर है ये वाला लुक, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैं जयपुर के जीटी मॉल से लेके आई थी और ये झाले बहुत प्यारे लगते हैं, केवल इसे ही पहन लो और आपका लुक कम्प्लीट स्मार्ट लगते हैं, हाई हील्स के साथ, साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, सबके साथ ये बहुत अच्छे से सेट होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये मैं लाई थी 180 का या 170 के अराउंड लेके आई थी, और बहुत दिनों से ये चल रहे हैं मेरे पास, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इस टाइम, सेलिब्रिटी टाइप का है, कहीं पार्टी अवार्ड फंक्शन में या फिर कोई नाइट पार्टी वगैरह टाइप में जाओ तो ये वाले इयररिंग्स बहुत ही प्यारे लगते हैं, लॉन्ग लॉन्ग और स्मार्ट, लंबी लेडीज़ों के लिए तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ओपन गोल्डन कलर की साड़ी हो और ये हो, केवल ये हो, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये मैंने दिल्ली से लिए थे, मैंने दिल्ली ब्लॉग में भी इसको आपको बताया था, तो ये मेरे को पड़े थे 120 के, तो बहुत सस्ते हो। डिजाइन है वो है ये वाला, ये भी अपने आप में बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल शाइनिंग ब्राइटली है और राइट पे बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और ये भी बहुत ही प्यारा लगता है गाउन के साथ और ओपन पल्लू साड़ी के साथ, ब्राइट कलर की साड़ी के साथ ये बहुत अच्छा जाता है। और ये है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, जो अब सऊदी अरब में रहती है, उसने मुझे सऊदी अरब से लाके दिए थे, मुझे नहीं पता ही कितने के आए। अगला है ये झुमकी टाइप का, समथिंग आधी झुमकी आधा, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पर, और मल्टी कलर में है तो अपने आप में ही काफ़ी क्यूट से लगते हैं। ये भी मेरी उसी फ्रेंड ने दिया जो सऊदी अरब में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट ला के दी ये वाली। अगला जो है इयररिंग्स का पैटर्न वो भी ये झुमका है, ये झुमकी बहुत हमारे यहाँ पे राजस्थान में झुमकों का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है, तो ये प्यारे प्यारे झुमके हैं, सिल्वर के साथ रेड अलग ही कॉम्बिनेशन में है, तो ये भी अपने आप में बहुत एलिगेंट लुक होता है। तो ये भी मुझे 50 या 60 रुपीज़ के पड़े हैं, तो आई थिंक लोकल मार्केट में ये वाले झुमके बहुत ही प्यारे लगते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे झुमके लेके आओ, तो अच्छे लगते हैं अपने आप में ये काफ़ी। और ये है एक रेड कलर के झुमके, इनको मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, इतना यूज़ किया है कि यूज़ करके करके ये थोड़ा सा ऐसे भी हो गए,
ये रेड कलर के छोटे छोटे झुमकीज है, इनको आप छोटे मोटे ऐसे मार्केट में जाओ या फिर किसी छोटे से फंक्शन में जाओ उसमें आराम से कैरी कर सकते हो। काफी क्यूट से लगते हैं रेड कलर के साड़ी के साथ ये। तो ये मुझे सिर्फ 30 रुपीज में पड़े थे, ये मैं दिल्ली से लेके आई थी जब पहले गई थी मैं दीदी के यहाँ। तो ये है छोटे छोटे झुमके प्यारे से, ये बूंदे टाइप के जिनमें छोटा सा ये बर्ड सा लटक रहा है और काफी प्यारा लगता है ये पहनने पर। ये ऑफिस में कोई पार्टी वगैरह होती है, ऑफिस का कोई फंक्शन होता है उसमें ये पहन जाओ तो अच्छा लगता है, सिंपल सोवर सा क्यूट सा लगता है। ये मेरे गले के सेट के साथ था तो सेट में ज्यादा यूज नहीं करती बट ये मैं यूज करती हूँ। अगला जो पैटर्न है इयररिंग्स का वो है ये मोर वाला। हमारे राजस्थान में पिकॉक वाली ज्वेलरी डिजाइन बहुत ही ज्यादा फेमस है तो ये मोर वाला बहुत ही क्यूट लगते है और जो इस पे कुंदन है ये बहुत ही शाइन करते हैं रात के टाइम पे, तो ये भी बहुत अच्छा। ये मोती वाला कुंदन वाला ये वीडियो में ज्यादा अच्छे से नहीं दिख पा रहा है बट पहनने पे बहुत ही प्यार लगता है और नाइट के टाइम पे ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, अमेजिंग लुक देता है, साड़ी के चार चांद लगा देता है ये वाला इयररिंग। तो वीडियो में कुछ फैट फैट सा नजर आ रहा है बट ऐसा है नहीं, बहुत शाइनिंग शाइनिंग। अगला जो है बूंदे टाइप का ये है छोटे से प्यारे से ग्रीन कलर के, बहुत प्यारे से लगते हैं पहनने पर ये और चोकर के साथ तो ये काफी अच्छे लगते हैं। तो ये वो समथिंग उस टाइप का है, मल्टी कलर में ये बहुत ही अच्छा लगता है, मीनाकारी कहते हैं, ग्रीन सा रेड कलर सा जो दिख रहा है आपको इसे मीनाकारी बोलते हैं। और ये भी काफी अच्छे लगते हैं चांद वाली के से ही मैच मैच करते हुए है। तो ये उस वक्त थोड़ा कॉस्टली पड़ा था मेरा, ये 110 का पड़ा था तो इतने का तो नहीं था। सेम मेरा वो ये है छोटी सी झुमकी है मल्टी कलर में, इसका एक सेट पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, मैंने ढूंढा भी तो मिला नहीं था जल्दी जल्दी में। तो ये भी मेरे को 20 रुपीज की पड़ी थी, मैंने यहीं से ली थी। जो मैंने ये इयररिंग्स पहन रखे हैं ये भी बहुत ही प्यारे हैं, अच्छे लगते हैं ये, काफी अच्छा सा लुक आता है इसको पहनने के बाद। देखिए आपको दिख रहा होगा ये नीचे झुमकी है, ऊपर ये पत्ती सी शेप से रेड कलर में है, मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये है इसका बड़ा सा झुमका है नीचे, ऊपर ये पत्ती की सी डिजाइन है, तो ये भी अच्छा लगता है पहनने के पे। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि आप इयररिंग्स वगैरह लो तो जरूर नहीं, काफी महंगे या कॉस्टली लो, आप लोकल मार्केट से 20, 30, 100, 150, 200 तक काफी अच्छे अच्छे स्टाइलिश मिल जाते हैं। भाई मेरा तो यही मानना है कि जब आप इयररिंग्स लो तो जरूर नहीं काफी महंगे लो, लोकल मार्केट में आराम से लगा के 20 रुपीज से 200, 250 रुपीज तक अच्छे से अच्छे इयररिंग्स मिल जाते हैं। जयपुर जाके ट्राई कर सकते हो आप, अगर आप कहीं बड़े शहर में दिल्ली वगैरह जैसे जा रहे हो तो वहां के लोकल मार्केट में काफी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की तो भाई बात ही निराली, यहाँ पे कलरफुल डिजाइंस अच्छी से मिल जाती है और काफी प्यारे प्यारे डिजाइंस मिलते हैं। लेकिन ये इयररिंग्स को रखने का ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी रख लो तो ये काले पड़ जाते हैं सब टाइम के साथ साथ, धीरे धीरे ये काले हो जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं आ पाएंगे। इसलिए कोई बॉक्स ले लो, मैंने तो ये बॉक्स बना रखा है, इसमें मैंने ये मेडिकल इसमें कॉटन रख रखी है तो इसके अंदर मैं ढंग से करके रख देती हूँ, या तो इनको थैली में करके रख देती हूँ, पॉलीथीन छोटी छोटी पॉलीथिन में रख देती हूँ, उस टाइप की जो पॉलीथिन आती है इनमें मैं सेट करके रख देती हूँ, या फिर जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं इनके साथ में इसमें ढंग से मैं कॉटन बिछा के इनमें रख देती हूँ। तो इस प्रकार से हमारे डिजाइन सुरक्षित रहती है और अच्छे से रहते हैं, हमारे इयररिंग सही रहते हैं, खराब नहीं होते, काफी लंबे टाइम तक अच्छे से बने रहते हैं। और वही सबको खूब अच्छे से दो, पहनो और आराम से मजे करो। तो अगर आपको तो बताइएगा जरूर से आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्या मेरे पास कलेक्शन सही है या फिर आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज जरूर बताना और जरूर से कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं। तब तक टाटा।